सत श्री अकाल, तुसी PNCN देख रहे हो। खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। खबरों की शुरुआत हैडलाइनस के नाल करांगे। टोरंटो तो घरों के किराया संबंधी एक नवी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों घरों की अफोर्डेबिलिटी के लिए गंभीर रणनीति बनाए जाने का दावा। वैनकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अज की जानकारी साझी की है, खबरों में दसांगे। एबसफर्ड के दो गैस स्टेशन के उत्ते लुट के मामले। मार्कम तो एक नाबालिग नौजवान नाल जिनसी शोषण का मामला, शक्की दी भाल। राजधानी ओटवा विच हमला किए जाण दे मामले करके एक पुलिस अधिकारी ते केस दर्ज। इस तरह हुण खबरों की शुरुआत करदे हां। सब तो पहली खबर जो कि इस समय घरां दी महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा वधी हुई है, जो कि पिछले कुछ सालों तो लगातार वधी ही जा रही है ते घरां दे किराए भी लगातार वध हुंदे जा रहे हैं। तो इस संबंधी टोरंटो तो एक रिपोर्ट सामने आई है, इस बारे थानू दसांगे। टोरंटो दी कंडोमीनियम रेंट मार्केट नू महामारी दे शुरुआती दौर तो ही एक बैडरूम यूनिट दी औसत दे नाल लगातार तंगी दा सामना करना पै रहा सी, जो कि हुण 2019 दे रिकॉर्ड मुताबक काफ़ी वध चुकी है। टोरंटो रीजन रियल एस्टेट बोर्ड वालों एक नवा डाटा जारी किया गया है, जिसके मुताबक MLS सिस्टम वालों प्रोसैसड एक बैडरूम यूनिट का किराया महीने की औसत वजो 2022 के पहले क्वार्टर च ही $2,145 ते पहुँच गया है, जो कि साल दर साल 17.8% के वाधे के बराबर है। हर साल दो बैडरूम यूनिट के महीने का औसत किराया 17.2% वध हुंदा सी, जो कि हुण $2,867 ते आके रुक गया है। रियल एस्टेट बोर्ड ने कहा कि COVID-19 महामारी के शुरू होने तो ठीक पहला किराए शिखर ते पहुँच गए सी, जिस विच एक बैडरूम यूनिट की महीने की औसत $2,262 अते दो बैडरूम यूनिट के एक महीने की औसत किराया $2,941 ते पहुँच गया है, ते दोवें ही रिकॉर्ड काफ़ी वध ने। महामारी के शुरू विच कंडो दे किराए च दोहरे अंकां नाल गिरावट आई, क्योंकि बहुत सारे किराएदार घर तो काम करन दे दौरान वधेरे जगह दी भाल लई बाहर चले गए सी, पर काफ़ी कर्मचारी हुण अपने दफ्तरां च वापस आ रहे ने घट्टो घट पार्ट टाइम लई। इस दे नाल ही बाजार रिकवरी दे संकेत दिखा रहा है। 2022 च हुण तक किराए दीआं लागतां च वेख्या गया वाधा मुख तौर ते जायदाद दे मुलां च वाधे नूं दर्शाउंदा है। TRREB ने पहला कहा सी कि कंडोमीनियम अपार्टमेंट की औसत कीमत साल दर साल मार्च च 19.6% वध गई सी, ते GTA च औसत कीमत $8,08,566 सी, जदों कि टोरंटो शहर च यह $8,31,351 सी। एक पासे यह रेट वधदे जा रहे ने, घर खरीदना एक आम कैनेडा वासी दे वास्ते वड्डी चुनौती बनिया होया, तां दूजे पासे घरां दी अफोर्डेबिलिटी नूं लैके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों लगातार वादे किए जा रहे ने ते ठोस कदम चुकण दी गल कही जा रही है। बजट 2022 दे विच वी जो ऐलान किए गए ने उस दे विच वड्डा निवेश किए जाण दे बारे ऐलान किया गया, ते इसे नूं लैके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अज वी ताज़ा एक बयान जारी किया, जिस दे विच उन्होंने दावा किया कि एक इस दे उत्ते रणनीति जो बनाई गई है वह गंभीर रणनीति है, तो उस संबंधी काम किया जाएगा ता कि एक आम कैनेडा वासी जो कि घर लैण का सुपना इस समय वेख रहा है पर उसके वास्ते वड्डी चुनौती है घर लैणा उसके लिए सुखाला हो सके, तो इस संबंधी जो हाउसिंग यूनिट भी अफोर्डेबिलिटी नाल संबंधित बनाए जा रहे हैं उस दे विच निवेश किए जाण दे बारे गल कही गई, तो समय समय के उत्ते वख वखरे शहरां दे विच इस दे बारे काम भी हो रहा है, तो ऐलान भी किए जा रहे हैं। इस बारे लिबरल सरकार का दावा है, तो नाल ही जो पहलां तो यूनिट बने हुए ने उन्हां दी मुरम्मत किए जाण नूं लैके भी यह निवेश किया जाएगा, तो नाल ही जो इस समय घर खरीदण दे वास्ते कई मुश्किलां दे विचों लंघना पैंदा है कि महंगाई होण दे करके, तो नाल ही खास तौर दे उत्ते बोली जो लगती है उस दे विच घरां दे रेट एक पासे तां जिन्ने मंगे जा रहे ने उस तों किते ज़्यादा उन्हां नूं मिलदे ने जो वेचदे ने घर, तो इसे नूं लैके जो उस बोली दे विच हिस्सा लैंदे ने उस दे विच सिर्फ जिवें कि एक जने नूं घर मिलदा तां बाकी बहुत गिणती अजिहे ने जो कि बोली ज़्यादा उच्ची जाण करके ही काफ़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो इसे लैके ब्लाइंड बिडिंग के उत्ते भी कदम चुकन की गल जस्टिन ट्रूडो सरकार के वलों पहलां तो कही गई है, तो जो विदेशों तो आ के कैनेडा विच घर खरीदते हैं उन्हां दे उत्ते 2 साल के वास्ते बैन लगाउण की गल कही गई है, तो इस उत्ते अगे हजे कदम चुके जाने ने, यह हजे लागू नहीं होया पर 2 साल के वास्ते यह बैन लगाया जाएगा, तो इस संबंधी होर कई कदम चुके जाण दे दावे तो किए जा रहे हैं, आखिर किन्ने कु असरदार साबित होंदे ने यह आने वाला समा ही दसेगा।
हुण रुख अगली खबर दे वल जो कि वैनकूवर एयरपोर्ट तो अपडेट सामने आई। वैनकूवर एयरपोर्ट तो अधिकारियों ने जानकारी सांझी की कि उन्होंने वैबसाइट के कुछ दिक्कत आ गई सी ते इस संबंधी होर कि गल्लां कहियां गईयां ने तुहानू दसदे आं। वैनकूवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के स्टाफ वालों वीरवार की सवेर सोशल मीडिया से पोस्ट पाई गई कि एयरपोर्ट की वैबसाइट से कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। एयरपोर्ट वालों यह नहीं दस्या गया कि खामी की है, पर ट्विटर ते एक छोटी जी पोस्ट पा के कहा गया कि टीम वालों इसका हल कढ़िया जा रहा है। उस तो बाद एयरपोर्ट वालों सवेरे 9 बजे दोबारा ट्वीट किया गया कि जो भी खराबी आ रही सी वो ठीक कर ली गई है। जिस दौरान वैबसाइट प्रभावित हुई सी उस समय यात्रियों नू वैनकूवर च आन जाण वालियां उड़ाना बारे जानकारी का पता नहीं चल रहा सी। टोरोंटो आधारित एयरलाइन के चैक इन सिस्टम प्रदाता दे नाल नेटवर्क आउटरेज होने करके हजारां की गिनती च यात्री फसे हुए सी ते कईयां नू अपनियां योजनावां भी बदलनियां पईयां। बुलारी ने दस्या कि डाटा सिक्योरिटी इवेंट करके कुछ कंप्यूटर प्रभावित हो गए सी ते सावधानी वजों एयरलाइन वालों कुछ सिस्टमां नू ऑफलाइन करना पिया सी। ਉਧਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਐਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੇਨਿਊ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਥਵੇ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6048595225 'ਤੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੋਰਨ ਬੈਰਿਕ ਤੇ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰਲੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। SIU ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕਮ ਮਾਲ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੂਦੇਵ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੂਦੇਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ
आने वाले दिनों टी टी सी ते निगरानी वधाई जाएगी ताकि यात्रियों नूं इह भरोसा दवाया जा सके कि आवाजाई प्रणाली सुरक्षित है। दरअसल टोरोंटो मेयर जॉन टोरी ने टी टी सी सीईओ रीक लीरी और टोरोंटो पुलिस चीफ जेम्स रेमर के नाल मुलाकात की। हाल ही विच होईयां हिंसक घटनावां लैके लोगों दी सुरक्षा बारे गलबात की। जॉन टोरी ने कहा कि असी सारे अपने ट्रांजिट सिस्टम च हर आने जाने वाले यात्री की सुरक्षा नूं महत्व दिंदे हां अते शहर की सरकार किसी भी तरह की वाधू सहायता करने तत्पर है। हाल ही दे विच टोरोंटो सबवे स्टेशन ते दो हिंसक घटनावां वापरियां सी जिस च एक कुड़ी वल्लों दूजी कुड़ी नूं रेल दी पटरियां वल धक्का दिता गया सी ते उत्थे ही एक होर सबवे स्टेशन ते एक व्यक्ति दी गर्दन ते मुलजम वल्लों चाकू मारिया गया सी। हालांकि दोवें ही पीड़ितां दी जान बच गई अते पुलिस वल्लों हमलावर कुड़ी नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी ते चाकू मारन वाले मुलजम व्यक्ति दी भाल अजे भी जारी है। हुण अगे रुक करांगे जो कैनेडा दे इमीग्रेशन विभाग ने जानकारी दी है कि अप्रैल 30 तों जो पी आर फाइलों के वास्ते अप्लाई किया जाता है उसके लिए फीस के वाधा किया जा रहा है। कैनेडा विच पी आर की फाइल लाने वालों वास्ते फीस विच वाधा हो जा रहा है। अप्रैल 30 2022 तो इमीग्रेशन विभाग के वलों फीस विच वाधा किया जा रहा है जो कि पी आर दियां अर्जियां लई होवेगा जिस दे विच इकोनोमिक परमिट होल्डर फैमिली ते ह्यूमैनिटेरियन क्लास वाले भी आते हैं। साल 2020 विच इस तों पहलां इमीग्रेशन विभाग ने पी आर दे वास्ते फीस दे विच वाधा किया सी महंगाई दर मुताबक जो कि साल 2002 तों बाद किया गया पहली बार वाधा सी जिस तों बाद ये भी ऐलान किया गया कि महंगाई दर मुताबक हर 2 साल बाद इमीग्रेशन विभाग वालों पी आर वास्ते फीस दे विच वाधा किया जाया करेगा ते उसे मुताबक हुण साल 2022 विच यह वाधा किया जा रहा है क्योंकि इस तों पहला साल 2020 विच इस फीस नूं वधाया गया सी। हुण अप्रैल 30 2022 तों जो यह वाधा हो रहा है उस दे बारे तुहानूं दस्सांगे जो कि इस समय पी आर दे लई जो फीस है राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फी वह $500 है जो कि अप्रैल 30 तो $515 हो जाएगी। इस नाल ही फैडरल हाई स्किल्ड PNP जो प्रोग्राम ने इस नाल ही क्यूबैक स्किल्ड वर्कर अटलांटिक इमीग्रेशन क्लास ते इस नाल रूरल ते एग्री फूड पायलट प्रोग्राम ने जो उन्हां दे वास्ते जिमें कि जो मुख अर्जी धारक है उस वास्ते इस समय फीस $825 है जो कि वध के $850 हो जाएगी। जेकर उस दे नाल कोई उसका पति जां पत्नी भी है तां उस वास्ते भी $850 हो जाएगी $25 दा वाधा हो जाएगा ते जेकर उन्हां दे उत्ते कोई निर्भर करदा है बच्चा उन्हां दी फीस जिमें कि इस समय $225 है वह $230 हो जाएगी। इस नाल ही जो केयर गिवर प्रोग्राम ने उस दे वास्ते जो मुख अर्जी धारक है उसकी फीस $550 है इस समय जो कि 30 अप्रैल तो $570 हो जाएगी। तो जो बिजनेस क्लास विच फाइलां लाउंदे ने फैडरल ते क्यूबैक दे विच उस वास्ते मुख अर्जी धारक की फीस $1575 है जो कि $1625 हो जाएगी 30 अप्रैल तो। इस नाल ही जो अपने परिवारक मैंबरां दीआं फाइलां लाउंदे ने जिवें कि पति जां पत्नी दी PR जां फिर बच्चियां दी जां मापिआं दी उस वास्ते जो स्पोंसरशिप फीस है वह $75 है तो वह $75 ही रहेगी। पर जो स्पोंसर्ड प्रिंसीपल एप्लीकेंट है उसकी जो फीस है $475 है जो कि $490 हो जाएगी। तो जो पनाह लैंदे ने उस वास्ते $550 फीस है जो कि $570 हो जाएगी। तो जो मनुखता दे आधार उत्ते फाइल लगाउंदे ने उस वास्ते भी $550 फीस है इस समय जो कि 30 अप्रैल तो $570 हो जाएगी। तो जो परमिट होल्डर्स ने उन्हां वास्ते $325 फीस है उस विच $10 का वाधा हो रहा है $335 फीस हो जाएगी। हुण तुहानूं दस्सांगे कि जेकर किसी तो 911 गलती दे नाल डायल हो जाता है तो उस तो बाद की करना चाहिए है इस दे बारे पुलिस अधिकारियों दे वल्लों बार बार चेतावनी भी दित्ती जाती है ते जानकारी सांझी की जाती है जागरूकता फैलाउण दे वास्ते कि जेकर गलती नाल किसी तो भी 911 डायल हो जाए तो उस तो बाद किहड़े कदम है जिहड़े चुकने जरूरी ने ते किस गल की पालना करनी चाहिए है वह थानू दस्सदा। जो पुलिस के वलों बार बार इस बारे दस्या जाता है तो पील पुलिस ने ताज़ा जानकारी इस बारे साझा की है कि जेकर किसी के वलों भी गलती 911 से फोन हो जाता है तो उस तो बाद जेकर अगे बैल जाती है तो फोन में एकदम कट्टिया ना जाए सगों उड़ीक की जाए कि अगे तो डिस्पैचर फोन में चुक लवे तो उसनों तुम दस सकते हो कि गलती फोन हो गया सी क्योंकि जदों तुसी
फोन करते हो तो बैल चली जाती है तो उस तो बाद फोन कट देंगे हो तो फिर अगे जो एमरजेंसी टीम के डिस्पैचर बैठा होंगे जो कि 911 फोन के जवाब देंगे ने वह दोबारा तो थानू फोन करते हैं क्योंकि उन्होंने स्थाई बना हों कि जिड़ी भी उन्होंने कॉल आई है जिसके वलों भी वह फोन किया गया कि वह सुरक्षित है इसे स्थाई बनाने के वास्ते जो दोबारा फोन करते हैं तो उस समय उन्होंने समा खराब हों क्योंकि जिस समय वह दोबारा तो फोन करते हैं उस समय जो कोई एमरजेंसी दे उन्होंने वह जवाब दे सकते हैं तो उन्होंने गल कर सकते हैं पर जेकर बच्चे तो गलती नाल फोन 911 ते हो जाए घर दे विच जा फिर किसी दे कोल गलती नाल जे फोन का एक पासे का बटन ज़्यादा देर दबिया रह जाए तो भी एमरजेंसी कॉल हो जाती है तो अजिहे 911 ते जदों फोन हो जाता है तो तुसीं उडीक कर सकते हो कि जदों तक अगे तो डिस्पैचर फोन नहीं चुकता तो उसनूं दस्या जा सकता है कि तुसीं गलती नाल कीता है जिस तों बाद वह डिस्पैचर अगे तो थोड़ी थोड़ी जानकारी पुछेगा नाम पुछेगा तो नाल ही वह पुष्टि करेगा कि तुसीं सुरक्षित हो जिस तों बाद वह फोन कट देवेगा क्योंकि जदों रिंग जाती है तो दोबारा फोन तो उन्होंने वालों किया ही जाना है उस समय भी उन्होंने वह जानकारी ही पूछनी है जो तुसीं पहलां दसनी होवेगी जदों तुसीं एकदम फोन कट दिता तो तुसीं मुसीबत दे विच नहीं हो तो गलती नाल फोन हो गया सी इस नाल ही नाम फोन नंबर ते नाल ही वह पुष्टि करते हैं कि तुसीं पूरी तरह सुरक्षित होवो तो इसलिए उन्हां दा समा बचाउण दे वास्ते जरूरी है कि एक चंगे नागरिक वजों इस दे उत्ते अमल किया जाए इस नाल ही अज दे इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही मैनूं दिओ इजाजत सत श्री अकाल।